वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। आप सभी का स्वागत है मेरे कैरियर प्लस चैनल में। राजकीय इंटर कॉलेज में जो है भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है समूह ग का, यहाँ पर देख लीजिए 18 अक्टूबर 2024 यहाँ पर जो विज्ञापन तिथि यहाँ पर जो है आवेदन की अंतिम तिथि की बात करेंगे 7 नवंबर 2024 है ये बिल्कुल। और प्रूफ के साथ आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, राजकीय इंटर में भर्ती इसमें आ चुकी है यहाँ पर जो है ये। पहले उससे पहले जो इम्पोर्टेंट खबर है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहाँ पर सफाई कर्मचारियों को जो है तोहफा जो मिला गया है। तो बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर एक बार बताइएगा जो इंटर कॉलेज में सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं संविदा पर तो उनका भी तोहफा पड़ेगा, मतलब उनको भी मानदेय मिलेगा, मानदेय में जो बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। 6000 रुपये से बढ़ाकर जो है 8840 रुपये कर दिया गया तो उनके मानदेय में वृद्धि होगी। मैं आपको बता रहा हूँ जो संविदा पर लगे हुए हैं है ना, तो उनके भी मानदेय में 100% वृद्धि होगी यहाँ पर जो है। सर्वप्रथम जो है बात करेंगे यहाँ पर कृषि विभाग के अंतर्गत 10th पास है ना, तो भर्ती का विज्ञापन आउट हो चुका है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो ये फील्ड और लैब वर्कर है ना, आपका फील्ड वर्कर हो गया, लैब वर्कर के पदों पर 10th पास अगर आपने कर रखा तो उसके अंदर जो है भर्ती आ चुकी है। 20000 रुपये इसमें फिक्स सैलरी आपको मिलेगी, अपर एज लिमिट 35 साल ठीक है। भर्ती कहाँ से निकाली गई एक बार देख लीजिए, यहाँ पर जो है कृषि अनुसंधान संस्थान मतलब कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भर्ती इसमें आउट हो चुकी है। भले ही संविदा पर हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल में सैलरी अच्छा दे रहा है, 20000 रुपये दे रहा है यहाँ पर जो ये। और यहाँ पे देख लीजिए 31 अक्टूबर 2024 तक इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू जिसमें आपका होगा लिंक आपको ये दे रखा है ना, इसके बाद देख लीजिए। मैं जो भी वैकेंसी बताता हूँ बिल्कुल प्रूफ के साथ बताता हूँ, वो बात अलग है, बच्चे फॉर्म भरें या ना भरें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम केवल बताना होता है। जो ट्रेन जाती है ट्रेन तो चाहे खाली भी जाएगी या भरी भी जाएगी, बैठना हो तो बैठिएगा, नहीं बैठना तो ट्रेन तो जाएगी जाएगी, मेरा काम केवल बताना होता है। हाँ तो यहाँ पे देख लीजिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट मतलब क्या परियोजना सहायक के पदों पर भर्ती इसमें आउट हो चुकी है। बीएससी आपने कर रखा है ना, इसमें 4 साल का बीएससी होता है इसमें एग्रीकल्चर से, तो कर रखा है इसके अंदर फॉर्म भर दीजिएगा ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है ये भर्ती चल रही टर्म कंडीशन एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। यहाँ पर जो है वैकेंसी भी जो आपका निकाला गया ये अब जो है आई सी ए आर के अंतर्गत भर्ती इसमें आउट हो चुकी है यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर जो है ये आपको लिंक वगैरह दिया हुआ है, इस पर जाके आप ये संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर जो है फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो है 10+2+ ग्रेजुएट की मार्कशीट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो लगा दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं ठीक है। तो इसके अंदर फॉर्म ये भर सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भर्ती इसमें आउट हो चुकी है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है ये अभी वैकेंसी चल रही है 31 अक्टूबर, इसमें लास्ट डेट मैंने आपको बताया था ये देख लीजिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ 31 अक्टूबर तक इसमें जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा यहाँ पर जो है ये। तो देख लीजिए 20 अक्टूबर तक यहाँ पर जमा कर सकते हैं यहाँ पर जो है ये, और 31 अक्टूबर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट आप हो जाएंगे तो सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। वहीं पर जो बात करेंगे यहाँ पर जो है ये आपका NCERT इसको बोलते हैं आप सभी जानते हैं फुल फॉर्म, यहाँ पर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, 8 अक्टूबर 2024 का इसमें नोटिफिकेशन आउट हो चुका है यहाँ पर देख लीजिए। और ये वैकेंसी जो आई है ये देख लीजिए, इसमें ऑपरेटर की वैकेंसी यहाँ पर जो है ये अभी मैं इसका हिंदी में भी दिखाऊंगा इंग्लिश में दिखा रहा हूँ, दोनों तरफ दिखा रहा हूँ। सैलरी यहाँ पर जो है 35000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, 35000 जो है 12th पास अगर आपने कर रखा है और नॉलेज है कंप्यूटर का तो आप इसके अंदर फॉर्म भरिएगा। और यहाँ पर जो है ये देख लीजिए अधिकारी के साइन वगैरह सब कुछ दे रखा है यहाँ पर NCERT के द्वारा यहाँ पर जो है ये। और बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ दिखाता हूँ यहाँ पर देख लीजिए, जो भी वैकेंसी अभी तक किसी यूट्यूबर चैनल ने अभी दिखाया नहीं होगा, फॉर्म का फॉर्मेट ये है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस तरीके से भरना है। ये वाला फॉर्म मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा है ना। तो ये फॉर्म भरना हो एक बार हिंदी में आप इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी में देख लीजिए, ये देख लीजिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पर जो है 8 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट यहाँ सॉरी 8 अक्टूबर दिन विज्ञापन जारी किया गया था, इसमें क्या लिखा हुआ है ये देख लीजिए। यहाँ पर जो है ये आपका जो है DTP ऑपरेटर के पदों पर है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इच्छुक योग्य उम्मीदवार प्रकाशन के 15 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप को आवेदन जमा करके यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस वाली ईमेल में, मतलब क्या डॉक्यूमेंट की PDF बना के जो है ईमेल आईडी पर सेंड कर दीजिएगा। और 15 दिन विज्ञापन देती है, आप देख लीजिए जब 8 तारीख को विज्ञापन भाई निकाला गया 8 अक्टूबर के दिन, तो 15 दिन कितना हो गया यहाँ पर जो है 23 तारीख, तो यहाँ पर जो 23 अक्टूबर तक इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, तो इसके अंदर फॉर्म 23 तारीख तक भर दीजिएगा ठीक है। तो पूरा ब्यौरा दिया गया है यहाँ पर ये, और आपका इसमें कॉन्टैक्ट जो रहेगा 31 मार्च 2025 तक इसमें रहेगा, पूरा ब्यौरा यहाँ पर दे दिया गया है। फॉर्म जरूर भरिएगा, अच्छा वैकेंसी बढ़िया वैकेंसी यहाँ पर जो है ये भर सकते हैं ये जो है। वहीं पर जो है मैंने आपको बताया था यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो स्नातक पास की भर्ती आई थी 344 पदों भर्ती इसमें चल रही है। मैंने आपको बोला कि यहाँ पर इंडिया पोस्ट मतलब क्या पोस्ट पेमेंट में ये भर्ती जो है ये निकाली गई है, आपको देख लीजिए यहाँ पर जो है ये जो डाक विभाग होते हैं यहाँ पर देख लीजिए ग्रामीण डाक सेवक
के डिपार्टमेंट भर्ती यहाँ पर निकाली गई, यहाँ पर जो है ये तो यहाँ पर भर्ती निकाली गई। तो इसके बारे में जानकारी आज का अखबार में दे रखा था, देख लीजिए। यहाँ पर भी लिखा हुआ 344 पदों पर भर्ती, यहाँ पर इसमें नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ये। और यहाँ देख लीजिए सैलरी की बात करेंगे, 30,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी दी जाएगी अगर ग्रेजुएट कर रखा। 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ऑफिशियल साइट वगैरह नंबर वगैरह ये दिया हुआ, एक बार संपर्क कर लीजिए। यहाँ पर जो ऑफिस साइट पर जाकर ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए 20 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकाला गया, ये कहाँ कहाँ, दिल्ली है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हर जगह से भर्ती इसमें आउट हो चुका है। यहाँ पर जो ये वहीं पर जो एयरपोर्ट के अंतर्गत, यहाँ पर देख लीजिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अप्रेंटिस की 135 पदों पर भर्ती चल रही है। यहाँ पर जो है स्नातक पास अगर अपना कर रखा ग्रेजुएट वगैरह, तो इसका अंदर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये यहाँ पर आपका जो साइट वगैरह ये दे रखा है ना, इस वाले साइट पर जाकर ज़्यादा फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट की बात करेंगे तो भाई यहाँ 31 अक्टूबर 2024 की जो लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई है, तो इसका अंदर फॉर्म भरिएगा। यहाँ पर वैकेंसी का अभी आपका चल रहा है लेबोरेटरी टेक्नीशियन की भर्ती चल रही है, 10+2 वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। 25 पोस्ट हैं, 22 अक्टूबर तक इसके अंदर फॉर्म भर दीजिएगा। सैलरी की बात करेंगे तो भाई सैलरी यहाँ पे 16,119 रुपये सैलरी दी जाएगी। 18-40 साल के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है फॉर्म आपको भरना कैसा आप सभी जानते हैं, है ना। आपको पता सेवा वियोजन कार्यालय के पोर्टल पर जाना और वहाँ पर जाकर वाला फॉर्म भर सकते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के अंतर्गत भर्ती चल रही है। यहाँ पर जो है ये देख लीजिए अमेठी जनपद से भर्ती आ चुकी, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है ये। और यहाँ पर देख सकते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, वहीं पर जो है इसकी लास्ट डेट की बात करेंगे तो 25 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट यहाँ पर देख लीजिए। महिला अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ईमेल आईडी ये की यानी ऑफिशियल जो है वेबसाइट ये रखा है, और यहाँ पर जाकर वाला फॉर्म जो है भर दीजिएगा। वहीं पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भर्ती विज्ञापन आउट हो चुका है, 3,300 पदों पर 24 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट, 18-40 साल के उम्मीदवार इसमें आवेदन जो है कर सकते हैं। यहाँ पर जो है और ये जो भर्ती निकाली गई इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, ये ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी, इसके बारे में ऑलरेडी मैं जानकारी दे चुका हूँ भाई। यहाँ पर जो है ये ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर जो है ये 24 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर ईमेल आईडी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, और यहाँ पर जाकर वाला फॉर्म भर दीजिएगा। वहीं पर एडेड कॉलेज के अंतर्गत यहाँ पर जो है ये प्योन भर्ती चल रही है, माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से। यहाँ पर 18 अक्टूबर इसकी जो लास्ट डेट है, अभी फॉर्म नहीं भरा तो भरिएगा। 657 पोस्ट हैं, आप चपरासियों की। यहाँ पर जो है भाई इंटर कॉलेज में यहाँ पर जो वॉचमैन की 242 सीटें हैं, स्वीपर की यहाँ पर जो है 147 सीटें, कुल मिला के 1,000 सीटें यहाँ पर बताई गई हैं। जनपद देख लीजिए, यहाँ पर इन जनपद तो भर्ती आ चुकी है। फॉर्म कैसे भरना आप सभी जानते हैं, सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाना है और वहाँ पर जाकर ज्यादा फॉर्म भर दीजिएगा। वीडियो के शुरू में मैंने आपको भर्ती दिखाई थी राजकीय इंटर कॉलेज में जो है ये भर्ती ग्रुप सी की, तो 6 अप्रैल 2025 इसकी जो है एग्जाम डेट बताई गई। यहाँ पर भर्ती देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है समूह ग्य की भर्ती निकालेगी। यहाँ पर देख लीजिए अध्यक्ष सेवा चैनल की तरफ से भर्ती आ चुकी समूह ग्य की। यहाँ पर जो है ये तो देख सकते हैं, यहाँ पर जो राजकीय इंटर कॉलेज भर्ती इसमें आ चुकी, यहाँ पर जो है ये 16 अक्टूबर 2024 की जो है वो स्टार्टिंग डेट यहाँ पर बताई गई है। राजकीय इंटर कॉलेज भर्ती इसमें आउट हो चुकी है, ठीक है। समूह ग्य के पदों पर 613 पद हैं ये, आप इसके अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। इसमें वहीं पर इसमें एग्जाम कराया जाएगा, तो एग्जाम देख लीजिए। यहाँ पर एग्जाम आपका राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती एग्जाम आपका 6 अप्रैल 2025 को होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती इसमें आउट हो चुकी है, ऑफिशियल जो है वेबसाइट ये देखी है, और यहाँ पर जाकर ज़्यादा फॉर्म भर दीजिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल के प्लस। थैंक यू वेरी मच।